तो आज है थर्सडे और आज शीहल का एक और न्यू एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस, वेलकम टू ऑडियंस प्रोस्पेक्टिव। तो ये है शीहल का एपिसोड नंबर 6, एक्सप्लेन वीडियो / नर्शल वीडियो, और दो एपिसोड आने बाकी है, एपिसोड नंबर 7 जो कि आने वाला है 29 सितंबर को, और एपिसोड नंबर 8 जो कि आने वाला है 6 अक्टूबर को। जो पिछला एपिसोड था उसकी एंडिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जहां डेयर डेविल का सूट दिखाया गया था। पर ये वाला वीडियो शुरू होता है एक बॉक्स के साथ जहां लिखा होता है जेन, और हाँ ये वाला कंप्लीट एपिसोड शीहल के ऊपर नहीं जेनिफर के ऊपर होने वाला है। तो जेनिफर उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसके लिए इनविटेशन होता है शादी का। तो उसकी बचपन की स्कूल फ्रेंड शादी कर रही होती है जिसका नाम होता है लुलू, और जेनिफर को शादी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसके रीजंस आगे बताए गए, और अगर अभी बताऊं तो उसको दूसरों की खुशी देखने में प्रॉब्लम नहीं है पर उसकी जिंदगी के बहुत ज्यादा लगे हुए। और फिर सीन कट होता है जिसमें जेनिफर सूट देख रही होती है और उसको एक पसंद भी आ जाता है जिसको लुक ने बनाया होता है लुलू के रिहर्सल डिनर के लिए। तो फिर निकी उसको समझाती है कि तेरे को शादी में तो जाना ही पड़ेगा। जेनिफर पूछती है क्यों, क्योंकि वो कहती है कि ड्रेस बहुत अच्छा है, एंड फिर जेनिफर भी मान जाती है। और फिर निकी एंड जेनिफर में बातें होती है, और फिर जेनिफर कहती है निकी से कि ट्यूजडे को शादी है और लुलू उसकी बचपन की स्कूल फ्रेंड है, और भी बातें बताती है कि वो उसकी फैमिली को जानती है, उसका कजन भी आने वाला है, वही लव में बाल वाला जो कि एक डीजे भी है। और फिर निकी एंड जेनिफर की बातों बातों में पता चल कि एक सुपर हीरो का डाइवोर्स केस था जेनिफर के लिए, पर अब वो एमिली को देना पड़ा क्योंकि जेनिफर को बाहर जाना। तो फिर निकी कहती है चिल, टेंशन मत ले, उसी बहाने मुझे एमिली के साथ करने का मौका मिल जाएगा। तो फिर जेनिफर शादी में जाती है उसके लुक ने बनाए हुए ड्रेस को पहन के शीहल्क वाले गेटअप में। तो फिर शीहल्क को देख के सारे लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। तो उसकी बचपन की फ्रेंड जिसकी शादी है लुलू कहती है कि शादी मेरी है तो अटेंशन भी मुझे मिलना चाहिए। तो फिर शीहल्क जेनिफर में ट्रांसफर हो जाती है और उसका ड्रेस भी बहुत ज्यादा लूज हो रहा होता है। यार इसकी जिंदगी बिना एकदम स्पाइडरमैन जैसी है। एक तरफ तो जब स्पाइडरमैन बना होता है तो लाइफ बहुत कूल चल रही होती है, और जैसे ही पीटर बनता है तो उसका एकदम ऑपोजिट लाइफ के लग जाते हैं। तो फिर शीहल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करके बताती है कि पहली बार लाइफ में शीहल्क बनना था और उसे वो भी नहीं बनने दिया। और फिर सीन कट होता है निकी, एमिली और इमॉर्टल के ऊपर, और एमिली कहती है एक ऐसा नाम हुआ। तो इमॉर्टल कहता है एकदम हटके, एमिली कहती है इमॉर्टल नाम ही क्यों, हाँ इस शो का नाम तो है शीहल्क अटॉर्नी एट लॉ, पर वकीली छोड़ के इस शो में सारी बकलोरी दिखाई गई है। तो एमिली कहती है इमॉर्टल नाम है क्यों, तो फिर इमॉर्टल कहता है क्योंकि मैं मरता नहीं। एंड निकी एंड एमिली को साबित करने के लिए उनके ऑफिस से कूद जाता है, जो कि उनका ऑफिस होता है लगभग 10 माला ऊपर, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इमॉर्टल ने जो उनका कांच तोड़ा है जंप करके और लैंड किया एक बंदे की कार के ऊपर, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है, तो उसका पैसा कौन देगा। इस शो की शुरुआत में ही जेनिफर कहती है कि सुपर हीरो जो आम लोगों का नुकसान करते हैं उनकी भरपाई कौन करेगा, और अभी ये शो खुद ही कर रहा है। खैर बिना कोर्ट जाए एमिली इमॉर्टल का सारा मामला उसके ऑफिस में रफा दफा कर देती है, और इमॉर्टल का चैप्टर मेरे हिसाब से यहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर सीधा सीन कट होता है जेनिफर के ऊपर, और वो अपने जेनिफर वाले लुक में है, और वही उसकी दुख भरी जिंदगी दारू पी के उल्टी कर रही होती बेचारे किसी कोने में। तो तभी वह आ जाती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया, हाँ वो भी शादी में इनवाइटेड होती है लड़के वालों की तरफ से, जो कि दूल्हे की बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड होती है। हाँ देखो मैं खुद से कहानी नहीं बना रहा हूँ, यही एपिसोड की स्टोरी है। फिर वहाँ उनकी अच्छी खासी फाइट होती है, अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक ही। पहले तो टाइटेनिया जेनिफर को नहीं मारती क्योंकि वो उसके जेनिफर वाले लुक में होती है। जेनिफर कहती है मैं शीहल्क नहीं बनूंगी, तो टाइटेनिया कहती है बन जा यार मेरे को तेरे से लड़ना है, यही इस सीरीज की मेन विलन है। और फिर क्या, फिर जेनिफर शीहल्क बन जाती है और टाइटेनिया को जोर से मुक्का मारती है और उसके सारे दांत वहीं पे टूट जाते हैं। शादी में आए सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड बस वो एक अच्छी विलन की तरह वहां से चली जाती है। भाई मेरे को कभी कभी लगता है इन्होंने अपनी PG-13 वाली रेटिंग ज्यादा ही सीरियसली ले ली है। और वहीं पे एक अच्छा खासा ईस्टर एग देखने को मिल जाता है, जहां शीहल्क का जो कजन होता है डीजे, उसने इनक्रेडिबल हल्क का टी शर्ट पहना होता है। और फिर दिखाया जाता है निकी जो कि रजिस्टर कर रही होती है एक एनोमिनस वेबसाइट के ऊपर, शीहल्क को मारने के लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसी वेबसाइट पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसको कैसे मारा जा सकता है। और फिर क्या, एक अच्छी दोस्त की तरह निकी जेनिफर को कॉल तो लगाती है ये सारी चीजें बताने के लिए, पर जेनिफर कॉल ही नहीं उठाती। और फिर सीधा सीन कट होता है और बैकग्राउंड में दिखाया जाता है एक लैब है जिसमें एक बड़ी लंबी मोटी सी सीरिंज रखी होती है, एंड ओ वाली भी सीरीज रखी हो जिसमें पिछले एपिसोड में उन 5 फंटर लोगों ने जेनिफर के ऊपर अटैक किया होता है उसका खून लेने के लिए, तो वो भी टूटी फूटी सीरीज वहीं पे रखी होती है, एंड एक नई वाली मोटी सी लंबी सी मतलब बहुत बड़ी ओ वाली सीरीज को भी दिखाया जाता है, एंड बस एपिसोड यहाँ पे खत्म। तो देखो हर एपिसोड की तरह मैं इस एपिसोड को भी कहूंगा कि ये वाला एपिसोड उतना भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी मैंने अपने 30 मिनट इस एपिसोड के ऊपर खर्च कर दिए। फिर भी मैंने देखा, इंजॉय तो क्या ही कहूँ, ठीक ठाक ही था, मतलब हिसाब लगा लो कि ठीक ठाक में सिर्फ ठीक था।
और बस अगर आपको एपिसोड 5 का रिव्यू या फिर नटशेल देखना है तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाकर देख सकते हो। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।